मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं। छोट, तुमने सोचा होगा कि रो रो के मेरा बुरा हाल हो रहा होगा। तुम मेरे आंसू पोछोगी और मुझे तसल्ली देते हुए कहोगी कि ये सब किस्मत के फैसले होते हैं नादिया। मैं तो कहूंगी नादिया, मोहब्बत की दो जमा दो चार लें, अपने हिस्से की दो हाथ से जाने नहीं देते। डोंट गिव अप। ये जोड़ा निकाला है तुमने? कैसा है? वेरी नाइस। तुम यही जोड़ा पहनना, इसे पहनकर तुम बिल्कुल दुल्हन लगोगी। और एक आखिरी बात नादिया, मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद से कह रही हूं कि दुल्हन बनने के लिए दूल्हा की मेहरबानी से ज्यादा अल्लाह की रजामंदी का इंतजार करता है। कल तुम निकाह पे जाओगी? कहो तो जाऊं? नहीं, बिल्कुल मत जाना। ओके। चाय पियोगी? ऑफ कोर्स। ठीक किया माम, मोहब्बत में हर गलती की माफी होती है। बेवफाई की कोई माफी नहीं होती, पूरी पूरी सजा मिलनी चाहिए, पूरी पूरी। आप कल मेरे ऑफिस आ जाइए, आराम से बैठ के बात करेंगे। आफ्टर लंच। ओके। सर आपने सुना, तैमूर अहमद की दूसरी बीवी कल किसी और से शादी कर रही है। किसे? ये तो मालूम नहीं सर। मुझसे पूछो, मेरे छोटे भाई से। तुम्हें कैसे समझाओ, जर्नलिज्म जर्नलिज्म नहीं होता। किसी की जाती जिंदगी एक कहानी तो हो सकती है लेकिन खबर नहीं। ऐसे लोगों को तो मंजर आम पे आना चाहिए सर, जो दौलत के भरोसे पर मोहब्बतों का खेल खेलते हैं। मैं इसीलिए कह रहा था। बेवफाई की सजा जमीन पर बनने वाले किसी भी कानून के इख्तियार में नहीं हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका इख्तियार उसने अपने हाथ में रखा हुआ। जब ये इख्तियार उसके पास है तो फिर मैं, तुम या हमारा अखबार उस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर सकता।
थैंक यू फॉर योर इंफॉर्मेशन. यू आर वेलकम सर. ओके. मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता. ये क्या कह रहे हो तुम नानो? कहाँ पर होगी? नहीं, मुझे किसी ने मना कर दिया. किसने? नादिया ने. वो समझती है मुझे इतनी ढेर सारी खुशियों से दूर रहना चाहिए. और फिर जब दिल की मुरादें पूरी होने का वक्त आए तो बदनसीबों से परहेज करना चाहिए. तो फिर वो क्यों जा रही है? ये नसीब नहीं है, उसे किसी की मोहब्बत में 10 साल की सजा नहीं काटनी पड़ेगी. खाना खाओगे? नहीं. तुम्हारी तो भूख ही मिट गई होगी, खा लो तो अच्छा है. सुना है उसको खाना भी पकाना नहीं आता. उसका क्या होगा? नादिया का. तुम घबराओ नहीं, वो बेवकूफ आज तुम्हें अच्छा समझती है, कल उसे तुमसे भी अच्छा मिल जाएगा. मैं मजाक नहीं कर रहा माँ. मैं भी मजाक नहीं कर रही, लेकिन अगर तुम संजीदगी से बैठ के सोचो तो आज तुम उससे मजाक कर रहे हो. और मुझे ये नहीं पता स्वीट हार्ट कि वो कौन सा रिश्ता है जिसकी बेस पे तुम ये कह रहे हो कि उसका क्या होगा. वो मेरी दोस्त है. कम ऑन, फ्लर्टी मर्दों की तरह सोचना बंद करो कि फला मेरी महबूबा है, फला मेरी दोस्त है. लड़के लड़की में कोई दोस्ती नहीं होती, सिर्फ मोहब्बत होती है, नथिंग एल्स. और बेहतर है तुम अपनी शादी के बारे में सोचो और उस बेवकूफ के लिए दुआ करो कि वो इतनी सारी मोहब्बत किसी जरूरतमंद की हथेली पे रख दे, उस बेचारी की जिंदगी बन जाएगी और तुम भी कुफरान नेमत से बच जाओगे. मुझसे गलती होगी कि मैं तुमसे मिलने चला आया. माय बेस्ट विशेस फॉर यू. अरे तुम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज. कैसे आना हुआ? बैठो. नहीं, मैं बैठने नहीं आया, बस यहीं खड़े खड़े कुछ कहूंगा और चला जाऊंगा. कहो. मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता. ये क्या कह रहे हो तुम नानो? क्या हुआ? ये देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुझसे शादी नहीं कर सकता. तुम इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? तुमने सोच समझ कर ये फैसला किया? कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ ये? मेरी तौहीन करने के लिए तुम मुझसे ढोंग रचा रहे थे कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो. मोहब्बत का होना और बात है बेला, और उस मोहब्बत के काबिल होना एक और बात.
वो बेला से शादी नहीं करेगा। उसे बहुत देर में याद आया कि मोहब्बत कोई दम किया हुआ पानी नहीं है। काश मैं तेरे